क्लास नंबर फाइव टिकटॉक मार्केटिंग की में हम आज सीखने वाले हैं व्हाट इज रीच कंपेन रीच कंपेन क्या होती है ये एड अकाउंट की एक और वीडियो है और इसमें हम रीच के बारे में जानने वाले हैं कि रीच कंपेन्स क्या होती हैं और उसको कब रन किया जाता है तो अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने बिज़नेस सेंटर में आएँ सेंटर में आने के बाद जो आपने अपने क्लाइंट से एक्सेस ली है टिकटॉक अकाउंट की या आपने एजेंसी अकाउंट से लिया है उसको ओपन करें ओपन करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड होगा एड्स मैनेजर का कुछ इस तरह से होगा और उसके बाद आपने आना है कैंपेंस में कैंपेंस में आप जैसे ही आप कैंपेंस पर क्लिक करते हैं तो आपको क्रिएट कैंपेंस की ऑप्शन मिलती है आपने इस पर क्लिक करना है देन यू हैव अवडो तो फिर अगेन आपके पास वही चीज पूछी जाती है कि कस्टम मोड तो आप कस्टम मोड पर क्लिक कर सकते हैं या डोंट शो दिस पेज अगेन ये भी क्लिक कर सकते हैं तो मैं कस्टम मोड पर क्लिक करूंगा और इसके बाद हमारे सामने आ जाएंगे हमारे कंपेन्स जिसे हम कहते हैं एजेक्टिव्स मीनस कंपेन्स के कुछ ऑब्जेक्टिवस होते हैं वो शो हो जाएंगे हमारा जो पहला कंपेन्स है वो है अवेयरनेस का या पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस का जिसमें हम रीच के बारे में देखने वाले हैं अब देखें अवेयरनेस में अवेयरनेस से यह आपको पता चल रहा है कि किसी को बताना अपने बारे में मनवाना कि हम ये चीज़ सेल करते हैं हमारी ये प्रोडक्ट है और हम इस चीज़ में काम करते हैं बट इट इज़ नाट फॉर कन्वयंस मीन्स कि कन्वैंस में आपका यही रहेगा लीड आपका यही रहेगा कि किसी को दिखाना अपने ब्रांड के बारे में उनको दिखाना कि आप ये चीज़ बेचते हैं आप इसमें मॉडिफाई हैं हम ये चीज़ करते हैं तो अपने ब्रांड को शो करवाना किसी के सामने वो रींचज़ होती हैं अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है शो योर एड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल्स मीन्स के आप सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं लोगों को कि मैं ये मोबाइल फ़ोन सेल करता हूँ और इस मोबाइल फ़ोन की जो वीडियो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे तो उसे हम क्या कहते हैं रीचिज़ अब वीडियो आपने रन किया है। Obviously, लोग आपके के बारे में देखेंगे कि ये मोबाइल फोन जो आपका प्रोडक्ट है ये, ये मोबाइल फोन सिर्फ इस ब्रांड के पास अवेलेबल है तो उसे हम क्या कहेंगे तो नीचे सेम तमाम कंपेन्स के लिए सेम प्रोसेस होगा यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे और देन हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट तो रिचेज की जो हम चलाते हैं वो हम अपनी वेबसाइट के लिए भी रन कर सकते हैं हम अपने पेज के लिए भी रन कर सकते हैं हम अपने जिस लैंडिंग पेज पर लेकर जाना चाहते हैं उसके लिए भी अवेयरनेस कर सकते हैं मीन्स कि अगर आपने एक वीडियो एड रन किया है अवरीचेज का और आप चाहते हैं कि लोग आपको मैसेजेस करें या ना करें वो तमाम चीज़ें आप इस कम्पेंस में दे सकते हैं अगर मैं रीचेज़ पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर हम अपना रीचेज़ का कोई भी नाम रख सकते हैं और ये तमाम चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा इस वक्त मैं ऑन नहीं करने वाला देन वी मूव टू कंटिन्यू हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको आगे एड ग्रुप की ऑप्शन मिलती है यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं अगेन मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताने वाला हूँ कि ये हमें कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए ठीक है तो आज जो था हमने सिर्फ यही सीखने था कि कम क्या होती हैं या अवेयरनेस क्या होती है तो इसमें मैंने आपको बताया कि अवेयरनेस जो होती है वो लोगों को मनवाना होता है लोगों को दिखाना होता है कि आप क्या चीज बेच रहे हैं सिर्फ दिखाने के हम ऐड रन करते हैं जिससे क्या होता है आपका एक अवेयरनेस होती है लोगों को कि आपका एड, एड जो है वो किस इंसान को तीन बार दिखे या आपने एक जगह पर सेटिंग कर लेते हैं कि ये जो मेरी वीडियो एड है ये सिर्फ लोगों को तीन बार दिखे अगर उसने स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल कर लिया है तो उसको कुछ देर के बाद फिर अगेन मेरा ऐड नजर आए फिर अगेन ऐड नज़र आए तो थ्री टाइम उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा उसको ऐड ना दिखे अगर उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा उसको ऐड दिखने लग जाए तो उसे हम कहते हैं ऐड फुटीक और जो ऐड फटीक होती है उससे मीन्स कि आपका ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा आपको अपनी फ्रिक्वेंसी को कम करने के लिए अपने ऐड को चेंज करना चाहिए अपनी सेटिंग्स को चेंज करना चाहिए तो ये रीच का मीनस रीच के एड्स का ये मतलब होता है बाकी ऐड रन करना बिल्कुल सेम होगा जैसे हम बाकी एड्स सन करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए एड्स की या नई कैंपेंस ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा फॉलो कर लें वहां पर फ्री में आपको गाइड किया जाएगा थैंक यू